हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर अबाउट तानसेन. सो इफ वी रीड हियर वी कैन सी तानसेन वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स. सो वी टॉक इन दिस पैराग्राफ वी टॉक अबाउट हिज पेरेंट्स एंड हाउ टैलेंटेड एंड हाउ ही इमिटेट्स. इमिटेट्स मीन्स कॉपी. ठीक है, हाउ ही कॉपी द वॉइस ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड इवन ही फ्राइटन मीन्स किसी को डराना. सो हाउ ही फ्राइटन्स जो ग्रुप ऑफ उनको किस तरीके से उसने अपने टाइगर की वॉइस से, ठीक है, इमिटेट करके ट्रैवलर्स को डराया. यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड एंड वी नो दैट तानसेन वॉज द फेमस म्यूजिशियन, ठीक है, इन आर country. A singer called Mukundan Misra and his wife lived in Behat near Gwalior. So Mukundan Misra and his wife, जो कि कहाँ रहते हैं, ग्वालियर में. तानसेन was their only child और तानसेन उनके इकलौते बेटे हैं. It is said that he was a naughty child. कहा जाता है या सुना गया है कि वो बहुत ज़्यादा एक naughty शरारती बच्चे थे. ऑफन ही रन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. और ज़्यादातर क्या करते थे, वो भाग जाते थे फॉरेस्ट में खेलने के लिए. और बहुत जल्दी उन्होंने छोटी ही उम्र में, ठीक है, यंग एज में ही उन्होंने परफेक्टली उन्होंने बर्ड्स एंड एनिमल्स के वॉइस निकालना शुरू कर दिया था. ठीक है, अगर हम आगे पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है अ फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास वॉज वन ऑफ हिज डिसाइपल्स. ठीक है, अ फेमस सिंगर, उसी टाइम के एक फेमस सिंगर थे स्वामी हरिदास. वो ट्रैवलिंग कर रहे थे फॉरेस्ट से होते हुए अपने जो उनके डिसाइपल्स थे. डिसाइपल्स मतलब उनके जो शिक्षक थे. ठीक है, टायर्ड ग्रुप्स सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रोव तानसेन सॉ देम. और वो इतने थक चुके थे और उन्होंने सोचा कि हम थोड़ा सा, एक पेड़ था उसके नीचे वो, क्योंकि छाव थी वहाँ पे, वो बैठ गए और तानसेन ने उन्हें देख लिया था क्योंकि तानसेन भी फॉरेस्ट में खेलने के लिए जाते थे. स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट ही सेड टू हिमसेल्फ इट विल बी फन टू फ्राइटन देम. और उन्होंने क्या बोला कि अनजान आदमी फॉरेस्ट में है और बहुत मज़ा आएगा उन्हें डराने में. ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रोर्ड लाइक अ टाइगर. और वो ट्री के पीछे चुपचाप छिप गए और उन्होंने किसकी तरह आवाज़ निकाली, टाइगर की तरह उन्होंने दहाड़ मारी. द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल देम टुगेदर. और जो उनके शिष्य थे वो पूरी चारों तरफ भागने लग गए डर के मारे, लेकिन जो स्वामी हरिदास थे उन्होंने सबको इकट्ठा किया और एक जगह पे बुलाया. डोंट बी अफ्रेड ही सेड, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस. तो उन्होंने क्या बोला कि डोंट बी अफ्रेड, डरने की बात नहीं है, टाइगर्स हमेशा डेंजरस नहीं होते. लेट अस लुक फॉर दिस वन. तो हम, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हैं नंबर्स में, तो हम यहाँ पे खड़े होके देखते हैं कि कहाँ से आवाज़ आ रही है. सडनली वन ऑफ हिज मैन सॉ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री. और उनके शिष्य में से एक शिष्य ने किसी एक बच्चे को ट्री के पीछे छिपे हुए देख लिया. एंड देर आर नो टाइगर्स हेयर मास्टर ही सेड. और क्या बोला कि यहाँ पे कोई भी मास्टर नहीं है, ओनली दिस नॉटी बॉय, एक शरारती बच्चा है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबको पता चल जाता है कि कोई टाइगर नहीं था जो रोर कर रहा था, बल्कि एक शरारती बच्चा है जो कि टाइगर की. ओके, थैंक यू क्लास.